नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज कर साइस यूट्यूब चैनल में। सुबह के बजे हुए 11, आज का जो टेस्ट मैंने आपको बताया था, सब महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। इस टेस्ट में आप लोग पिछले पूछे गए टेस्टों का भी जो क्वेश्चन है उसमें शामिल किए गए। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एक से शुरुआत करते हैं। थोड़ा तो लंबा ये वीडियो जाएगा तो आप लोग आराम से देखिएगा, आइए देखते हैं। और आप हमें अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। और बाकी सुबह 11 बजे देख रहे हैं तो लाइव चैट में उत्तर दीजिए, बाद में देख रहे हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। भाई आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एक से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक कह रहे हैं, निम्न द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? तो आपको बताना है कि सही क्रम क्या है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आप बताइए, फिर हम इसका उत्तर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक का ऑप्शन सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन का एक का ऑप्शन सही है डी, कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। क्वेश्चन नंबर दो की तरफ आएंगे, निम्न में से कौन सी श्रेणी ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है? आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर दो का सी सही है, अन्नपूर्णा श्रेणी। क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ आएंगे, क्वेश्चन नंबर तीन है, भारत के रूट प्रदेश की संज्ञा किसे दी जाती है? क्वेश्चन नंबर तीन का उत्तर दीजिए। तो भारत के रूट प्रदेश की संज्ञा छोटा नागपुर के पठार को दी जाती है। छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार। क्वेश्चन नंबर चार की तरफ आएंगे, निम्न में से कौन सा दर्रा मंडी को लेह से जोड़ता है? क्वेश्चन नंबर चार का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर चार का बी सही है, बड़ा लाजला। पांच की तरफ आएंगे, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? क्वेश्चन नंबर पांच का उत्तर दीजिए। पांच का सी सही है, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर छह की तरफ आएंगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर छह का डी सही है, कांगटू सिक्किम, ये सुमेलित नहीं है। सात की तरफ आएंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही आपको बताना है? इसमें पहला कथन दिया हुआ है, रावी नदी से निर्मित घाटी को कुल्लू घाटी कहते हैं। दूसरा है, सिंध नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। क्वेश्चन नंबर सात का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर सात का सी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही, मतलब ग वाला ऑप्शन सही। आठ की तरफ आएंगे, निम्न में कौन सा कथन सही है? दिया गया, कावेरी नदी का उद्गम तमिलनाडु की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। दूसरा है, जयमंगली पेन्नार की सहायक नदी। क्वेश्चन नंबर आठ का उत्तर दीजिए। तो कर्नाटक, तमिलनाडु की ब्रह्मगिरी नहीं, कर्नाटक की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। क्वेश्चन नंबर आठ का बी सही हो जाएगा, केवल दो, जयमंगली पेन्नार की सहायक नदी, ये सही है। क्वेश्चन नंबर नौ की तरफ आएंगे, निम्न में कौन सा कथन सही है? पहला, मालाबार तट के उत्तर में कोंकण तट स्थित है। और दूसरा है, भारत के पांच राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। देखिए, मालाबार तट के उत्तर में कोंकण तट स्थित है, तो देखिए वैसे तो कोंकण है, फिर कन्नड़ है, फिर मालाबार है, लेकिन पड़ेगा तो उसके उत्तर में ही ना। तो क्वेश्चन नंबर नौ का पहला और पांच राज्य नेपाल सीमा से, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर नौ का जो है वो सी सही है। दस की तरफ आएंगे, निम्न में कौन सा कथन सही है? ताप्ती नदी के उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। दूसरा है, विंध्य श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर दस का उत्तर दीजिए। तो जब हम देखेंगे तो ताप्ती नदी के उत्तर में सतपुड़ा है, तो सही है। देखिए, सबसे पहले विंध्य है, फिर सतपुड़ा है, और यहाँ पर बहती है नदी नर्मदा, उसके नीचे बहती है यहाँ पर ताप्ती। तो
इनके बीच में जब देखेंगे तो नर्मदा नदी है, इनके मतलब कि जो ये वाली नदी है इसको हम बोलते हैं, देखिए विंध्य श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। और ताप्ती नदी के उत्तर में सतपुड़ा है, तो ये ताप्ती नदी के उत्तर में सतपुड़ा हो गई, ये हो गई विंध्य, तो विंध्य के दक्षिण में नर्मदा है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आएंगे, इनमें कौन सुमेलित नहीं है बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का सी सुमेलित नहीं, खजियार झील जो उत्तराखंड में नहीं है, यह है हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आएंगे, भारत में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर दीजिए। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला अरुणाचल प्रदेश है, 12 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आएंगे, इनमें कौन सुमेलित नहीं है बताइए। तेरा का डी सुमेलित नहीं, केरल पायकरा। अब ये बताइए केरल पायकरा है कहाँ, ये आपका काम बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आएंगे, भारत में यात्रा के दौरान कहीं कहीं लाल मिट्टी, यात्रा के दौरान है, यात्रा के दौरान कहीं कहीं लाल मिट्टी देखने को मिलती है, इसके लाल रंग का कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर दीजिए। चौदह का बी सही है, फेरिक ऑक्साइड। 15 की तरफ आएंगे, भारत में वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर दीजिए। तो वर्ष भर मक्का बोई जाती है, क्वेश्चन 15 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आएंगे, नदियों की लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है बताइए। तो इसका जो है वो सी सही हो जाएगा कि गोनमत है, गोनमत, गोदावरी नर्मदा महानदी ताप्ती, तो ये क्रम हो जाएगा, तो गोदावरी नर्मदा महानदी ताप्ती, 16 का सी सही है। 17 की तरफ आएंगे, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर दीजिए। तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी की बात करेंगे तो वो हो जाएगी यमुना, 17 का बी सही है। 18 की तरफ आएंगे, निम्न में से कौन सी चकबंदी के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्या नहीं है? 18 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का सी सही है, कंप्यूटर के डाटा के लीक होने की समस्या। 19 की तरफ आएंगे, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1972 से हुई और श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन है। यहाँ पे क्रांति देखिए छोटी की मात्रा होगी, क्रांति। उन्नीस का बी सही है, केवल दो। अब बताइए कब की है श्वेत क्रांति? 20 की तरफ, मैं इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि आप लोग क्या कीजिए, अपने इस तरफ जब सर्च करेंगे तो चार फैक्ट और निकाल लेंगे, अगर हम सब कुछ यहीं बता देंगे तो फिर आप सर्च नहीं करेंगे, इसलिए जरूरी है। अब जब मैं श्वेत क्रांति आपको बताया तो आप श्वेत क्रांति की बात जब कर रहे हैं तो इसको आप सर्च करेंगे तो इससे रिलेटेड कई सारे फैक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इसको सर्च कीजिए, किताबों में ढूंढिए, और भी कई सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। 19 का 20 है ये, केवल दो। 20 की तरफ आएंगे, श्वेत क्रांति की समस्या के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? 20 का उत्तर दीजिए। बीस का सी सही हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अप्रभावित लिखा, सही बात है कि अगर मान लीजिए कहीं दूध का उत्पादन हुआ तो
दूध के उत्पादन के पश्चात आपूर्ति श्रृंखला अगर जो अप्रभावित हो रही है तो उससे क्या दिक्कत है? प्रभावित ना हो, बस अप्रभावित हो रही है आराम से शहरों में। शहरों में क्या हो रहा है, पहुंच जा रहा है, लेकिन अगर जो प्रभावित हो जाए, कहीं से ब्रेक हो जाए या ऐसा कुछ हो, कोई दिक्कत आ जाए, तब उसको हम समस्या मान सकते हैं। लेकिन अगर जो अप्रभावित है तो कोई ये समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 का सी सही है। 21 की तरफ आएंगे। निम्न में कौन सा कथन सही है? मालदा गैप की उत्पत्ति भारत के संचरण के दौरान दशाओं की प्रक्रिया के कारण हुई। दूसरा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों का मालदा गैप के निक्षेपण से डेल्टाई मैदान का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर दीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 का सी सही। देखिए, जब आप भारत को देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये वाला हिस्सा दिखेगा मालदा गैप का। तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ यहाँ पर आती है गंगा नदी, इस तरफ आती है ब्रह्मपुत्र नदी, और उन्हीं पे जो ये वाला आप जानने, क्योंकि भारत का मूवमेंट इस तरफ है, यहाँ पर क्या हुआ, गैप देखने को मिलता है, और इसी वजह से क्या हो गया है। लेकिन आगे चल करके जब हम देखेंगे तो यहाँ पर गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र अपने साथ अवसाद लेकर के चली आई, तो यहाँ पर जो गैप था इस पर अवसाद वगैरह जमा हो गए, और यहाँ पर क्या हो गया, डेल्टाई मैदान का निर्माण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21 का सी सही है, पहला और दूसरा दोनों। 22 की तरफ आएंगे। लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है, बताइए। 22 का उत्तर दीजिए। देखिए, सबसे पहले जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा ट्रांस हिमालय, ट्रांस के हिमालय के बाद बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के बाद मध्य हिमालय, मध्य हिमालय को लघु हिमालय बोलते हैं, फिर बोलते हैं शिवालिक। तो ये हो गया मध्य या लघु, नीचे की तरफ है शिवालिक, ये वाला हो गया बृहद, और ये हो गया ट्रांस। अब देख लीजिए किसके मध्य स्थित है, बृहद और शिवालिक के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 का जब हम देखेंगे तो बी सही हो जाएगा। वृहद कही है, महान कही बात एक ही है। 23 की तरफ आएंगे। रेचना द्वाब किन दो नदियों के बीच में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 23 का जो है वो रेचना है, तो रावी और चिनाब के बीच में है रेचना दबाव, तो रेचना बारी बिस्त ये सब दबाव हैं, आप लोग याद रखिएगा। 23 का भी सही है। 24 की तरफ आएंगे। निम्न में कौन सा कथन सही है? जेट्रोफा की सहायता से बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। दूसरा है, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश के काकीनाड़ा में लगाया गया। चौबीस का सी सही, पहला और दूसरा दोनों। 25 की तरफ आएंगे। निम्न में कौन सा कथन सही है? श्योक नदी सिंधु में दाएं किनारे से मिलती है। दूसरा है, स्वात नदी गोमल नदी की सहायक नदी है। 25 का उत्तर दीजिए। पच्चीस का केवल एक सही है, ए। स्वात नदी गोमल की सहायक नदी नहीं है, सिंधु की है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का ए सही हो जाएगा, केवल एक। 26 की तरफ आएंगे। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान और ये दिए हुए हैं, इनको आपको बताना है कौन सा कहाँ नहीं है। क्वेश्चन 25 का ए सही है, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में, अभी आप बताइए कहाँ स्थित है। 25 का ए, 26 का ए सही है। 27 की तरफ आएंगे। सिवोक गोला दर्रा किस नदी द्वारा निर्मित किया गया, बताइए। तो सिवोक गोला दर्रा तिस्ता नदी के द्वारा निर्मित किया गया है। 28 की तरफ आइए। चपनाला झील किस राज्य में स्थित है, बताइए। 28 का उत्तर दीजिए। अट्ठाईस का सी सही है, आसाम। 19 की 28 29 की तरफ आएंगे। देवदार वृक्ष अधिक उगता है कहाँ पे?
देवदार पश्चिमी हिमालय में दिखता है, काफी ऊंचाई पर टुंड्रा क्षेत्रों में टुंड्रा टाइगर वनस्पतियों में पाया जाने वाला पेड़ है। क्रिसमस ट्री जैसे आप देखते हैं ना वैसे ही दिखता है। इसकी पत्तियों पर जब बर्फ वगैरह गिरती तो टिकती नहीं, नीचे गिर जाती है, शंक्वाकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का जो है वो डी सही है, पश्चिमी हिमालय में। 30 की तरफ आएंगे, निम्न शैल समूह में कौन पादप जीवाश्मों में सर्वाधिक संपन्न है? इसका भी सही है, गोडवाना। 31 की तरफ आएंगे, भारत में सबसे पहले निम्न में से किस राज्य में सूर्य सबसे पहले दिखाई देगा? तो पूरब से पश्चिम देखेंगे, सबसे पूर्वी जिला, पूर्वी मतलब राज्य कौन सा है? तो सबसे पूर्वी राज्य हम देखेंगे तो दिखेगा अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। 31 का ए सही है। 32 की तरफ आएंगे, यदि हिमालय पर्वत नहीं होता तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ता? उत्तर भारत का जलोढ़ मैदान अधिक क्षेत्र में विस्तृत होता, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 32 का दूसरा वाला सही, पहला तो गलत है। देखिए जैसे फिर वही बात, भारत के मैप में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा हिमालय पर्वत, वहाँ से निकलने वाली नदियों से ही क्या हुआ है कि उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ है। तो उत्तर भारत के मैदान में नदियों का योगदान है, और अगर जो ये नहीं होता तो ये अधिक विस्तृत में फैला होता, ऐसा नहीं है। बाकी मानसून का प्रतिरूप अलग होता, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो बंगाल की खाड़ी से वाली शाखा जो हिमालय से टकराती है तभी यहाँ पर आपको देखेंगे बारिश वगैरह देखने को मिलती है। बाकी आप मानसून का वीडियो देखेंगे उसमें मैंने बताया। तो 32 का बी सही है, केवल 2। 33 की तरफ आएंगे, भावर पेटी कहाँ पाई जाती है बताइए? क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर दीजिए। तैतीस का सी सही है, हिमालय के गिरिपाद में। 34 की तरफ आएंगे, बारी दुआब किन दो नदियों के मध्य में स्थित है? बारी, ब्यास और रावी। 34 का ए सही है। 35 की तरफ आएंगे, निम्न में से किस नदी की जलग्रहण क्षमता सर्वाधिक है? 35 का उत्तर दीजिए। पैंतीस का बी सही है, गोदावरी। क्योंकि आप जान रहे हैं दक्षिण भारत में सबसे बड़ी नदी, या कहें सबसे बड़ी नदी गोदावरी, जलधारण की क्षमता सबसे ज़्यादा गोदावरी में। 35 का बी सही है। 36 की तरफ आएंगे, निम्न में कौन सा कथन सही है? गाद के निक्षेपण से निम्न घाटियों के गहराई में वृद्धि होती है, नदी घाटियों की गहराई में वृद्धि होती है, गाद के जमाव से बाढ़ की आशंका सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 36 का उत्तर दीजिए। देखिए गाद के नीचे पर से नदी घाटियों की गहराई में वृद्धि होती है, गलत है। क्योंकि मान लीजिए जैसे कोई नदी बह रही है, उसकी गहराई इतनी है, तो उसमें जब गाद वगैरह भर जाएंगे तो नदी की गहराई क्या होगी? धीरे 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 कम होती चलेगी, क्योंकि नीचे की तरफ तो गाद जमा हो गए हैं, तो गहराई में वृद्धि होती है, ये तो गलत हो गया। गाद के जमाव से बाढ़ की आशंका सर्वाधिक होती है, ये सही। क्योंकि गाद जब यहाँ पर आप जब देखेंगे, जब गाद वगैरह जम जाएंगे तो गाद के जमने से बाढ़ की आशंका बढ़ जाएगी, क्योंकि वाटर लेवल भी बढ़ जाएगा, इस वजह से बाढ़ ज़्यादा बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 का कौन सा सही हो जाएगा? तो केवल 2 सही हो जाएगा। लद्दाख में जास्कर श्रेणियों के मध्य प्रभावित होने वाली नदी कौन सी? 37 का उत्तर दीजिए। सैंतीस का डी सही है, सिंधु नदी। 38 की तरफ आएंगे, कपिली और वैदक किसकी सहायक नदियां हैं बताइए? कपिली और वैदक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तेल किसकी सहायक नदी बताइए?
तेल महानदी की सहायक नदी है। 39 का ए सही है। 40 की तरफ आएंगे, निम्न में कौन सा कथन सही, दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह पूर्व से पश्चिम है, दक्कन के ढाल के अनुसार ही नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। तो देखिए, जब हम देखेंगे तो मान लीजिए, जैसे ये आप देखते हैं प्रायद्वीपी भारत है, तो प्रायद्वीपी भारत में जब आप देखते हैं तो नदियां जो है सब इस तरह से बहती हैं, तो दिशा पश्चिम से पूर्व है, पूर्व से पश्चिम नहीं है, दूसरा है, और ढाल भी इसी तरफ है, तो ढाल के अकॉर्डिंग तो उधर जाती नहीं है, तो पहली बात तो ये गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो है वो डी सही है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोनों गलत हैं। क्या है, दोनों गलत हैं। 41 की तरफ आएंगे, निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है, 41 का उत्तर दीजिए। तो सबसे छोटी तटरेखा केरल के दिए गए विकल्पों के अनुसार, वैसे तो गोवा की है, सबसे छोटी केरल की है। 42 की तो पाएंगे, निम्न में कौन सा कथन सही है, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट की संधि बिंदु अन्नामलाई पहाड़ी है, दूसरा अन्नामलाई ग्रंथि पर्वत का उदाहरण है। 42 का उत्तर दीजिए। बयालीस का डी सही है, इनमें से कोई नहीं, मिलन बिंदु अन्नामलाई नहीं, नीलगिरी है, नीलगिरी, और वही ग्रंथि पर्वत का उदाहरण भी है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, दोनों जुड़ते हैं, उसी को ग्रंथि जुड़ वहां पर जुड़ते हैं। 42 का डी सही, में कोई नहीं। मुथांग घाटी कहाँ स्थित बताइए। मुथांग घाटी सिक्किम में स्थित है। 44 की तरफ आएंगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है बताइए। चवालीस का डी सुमेलित नहीं है, सांगला घाटी उत्तराखंड लिखा हुआ, उत्तराखंड गलत है। बताइए आप लोग कहाँ पे हैं, सांगला घाटी, चलिए बता देता हूँ, हिमाचल प्रदेश में ही है। 44 का डी सही है। 45 की तरफ आएंगे, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर की शाखा से ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है, 45 का उत्तर दीजिए। पैंतालीस का डी सही है, छत्तीसगढ़। देखिए, बात की जा रही अरब सागर की शाखा, तो पश्चिमी घाट प्रभावित होता ही है, दक्कन का पठार भी प्रभावित हो ही जाएगा, गुजरात भी हो ही जाएगा, छत्तीसगढ़ के आसपास का क्षेत्र उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है, तो ये वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ आएंगे, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत की कुल वनावरण कितने प्रतिशत है, 46 का उत्तर दीजिए। का उत्तर हो जाएगा 21.67%। 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ आएंगे, निम्न में कौन सा कथन सही है, सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला राज्य गुजरात है, कुल आर्द्रभूमि वनों का 3.83% है, 47 का उत्तर दीजिए। फोर्टी सेवन का सी सही है, पहला और दूसरा दोनों। 48 की तरफ आएंगे, बताइए कौन सम्मिलित नहीं है, 48 का उत्तर दीजिए। फोर्टी एट का सी सही हो जाएगा, सलीम इस्पात संयंत्र, 1980 लिखा हुआ है, गलत है। वैसे बता देता हूँ, वैसे आपको गूगल सर्च करना चाहिए, 1982 है। 49 की तरफ आएंगे, सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई, 49 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दिए। 1960 सी सही है। 50 की तरफ आएंगे, लव एस के लिए प्रसिद्ध बैला डीला किस राज्य में स्थित है। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है। 51 की तरफ आएंगे, भारत की निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए और इनमें से आपको बताना है नदियां दी गई, कौन सी नदी उत्तर दिशा में बहती है बताइए। तो इसका जो उत्तर सीधे बेतवा
उत्तर की ओर बहती है, चंबल भी उत्तर की ओर ही बहती है, लेकिन लूनी दक्षिण की ओर बहती है और सुवर्णरेखा पश्चिम की ओर बहती, पूर्व की ओर बहती है। तो 51 का सही हो जाएगा बी, पहला और तीसरा। 52 की तरफ आएंगे, पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों की तुलना में निम्न में से कौन से कथन सही है बताइए। पूर्वी घाट खंडित एवं निम्न पर्वत पट्टी है, जबकि पश्चिमी घाट इसकी तुलना में अखंडित एवं उच्च पर्वत पट्टी है। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट अन्नामलाई की पहाड़ियों में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का उत्तर दीजिए, अभी इससे पहले क्वेश्चन इसे रिलेट आ चुका है। 52 का उत्तर दीजिए। देखिए जब आप पूर्वी घाट को देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे आपको नदियों के गैप वगैरह और भी कई सारे आर पार आप जा सकते हैं, लेकिन पश्चिमी घाट में ऐसा नहीं, तुलनात्मक रूप से देखेंगे यहाँ पर ऐसा नहीं है। बीच बीच में थोड़े बहुत घाट वगैरह दिखते हैं और मतलब दर्रे वगैरह दिखते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा है। और ये कह सकते हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, लेकिन इसमें कई सारे बीच में गैप दिखते हैं। तो और ऊंचा भी पश्चिमी घाट ज़्यादा है, तो पहला वाला सही हो गया, लेकिन दूसरा गलत है क्योंकि अन्नामलाई नहीं है, नीलगिरी है। क्वेश्चन नंबर 52 का ए सही है, केवल एक। देवसा दर्रा किस राज्य में स्थित है? 53 का उत्तर दीजिए। फिफ्टी थ्री का सी सही है, हिमाचल प्रदेश। 54 की तरफ आएंगे, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो 54 का बी सही हो जाएगा, मणिपुर। 53 की तरफ आएंगे, तेलंगाना राज्य की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है बताइए। तो 55 का डी सही हो जाएगा, उड़ीसा। 56 की तरफ आएंगे, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं कहाँ? ऑप्शन के हिसाब से बताना है। 56 का ए सही है, अरुणाचल प्रदेश, एमपी में है। 57 की तरफ आएंगे, सर्वाधिक मैनग्रोव वनस्पति किस राज्य में पाई जाती है बताइए। फिफ्टी सेवन का बी सही है, पश्चिम बंगाल। 58 की तरफ आएंगे, कृष्णा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? फिफ्टी एट का सी सही है, छत्तीसगढ़। 59 की तरफ आएंगे, तिस्ता नदी कहाँ से निकलती है बताइए। 59 का उत्तर दीजिए। 59 नदी जो है वो चोलहामू झील से निकलती है, 59 का सी सही हो जाएगा। मुरलेन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है बताइए। जिन बात मुरलेन की होगी तो वो सही हो जाएगा, मिजोरम। 61 की तरफ आएंगे, जाना पाव पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? 61 का उत्तर दीजिए। 61 थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको काट दीजिए, तो इसमें से उत्तर दीजिए। 61 का देखेंगे तो सी सही है, चंबल। 62 की तरफ आएंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, दूसरा है काजीरंगा को 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। 62 का उत्तर दीजिए। 62 का बी सही है। 63 की तरफ आएंगे, निम्न में कौन सा कथन सही है पढ़िए आप लोग उत्तर दीजिए। 63 देखिए, झरिया झारखंड की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक खान है सही है, और दूसरा है कि झरिया में बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, ये भी सही है। तो आप जब देखेंगे 63 का कौन सा सही हो जाएगा, तो 63 का सही हो जाएगा सी, पहला और दूसरा दोनों। 64 की तरफ आएंगे, पढ़िए फिर उत्तर दीजिए। देखिए दोनों सही है, भिलाई 1956 में रूस के सहयोग से, बोकारो संयंत्र 1964 सोवियत रूस के सहयोग से। 64 का जो है वो सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों।
65 की तरफ आएंगे, निम्न में कौन सी प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता नहीं है बताइए। यहाँ पर देखिए ऊर्ध्वाधर अपरदन है, ए सही है। यहाँ की नदियां सर्वाधिक ऊर्ध्वाधर अपरदन नहीं करती है, ऊर्ध्वाधर इसलिए नहीं करती क्योंकि नदियों में क्या बहाव है काफी कम होता है, इस वजह से ऊर्ध्वाधर अपरदन ज्यादा नहीं करती है। 65 पे ए सही है। 66 की तरफ आएंगे, भारत मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो हम देखेंगे तो पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा, झारखंड तेलंगाना दोनों से नहीं होती है, तो दूसरा और तीसरा दोनों सही हो जाएगा, गा वाला ऑप्शन सही। 67 की तरफ आएंगे, निम्न में कौन सुमिलित नहीं है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र और राज्य दिए गए बताइए। सिक्सटी सेवन का बी सही हो जाएगा, कल्पक्कम। कल्पक्कम आंध्र प्रदेश में नहीं, बताइए आप लोग कहाँ है कल्पक्कम, तमिलनाडु में है, बाकी गूगल वगैरह सर्च कीजिएगा कल्पक्कम के बारे में। 68 की तरफ आएंगे, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है। का सी सही है, चंबल। निम्न में कौन सी खारे पानी की झील है बताइए। तो खारे पानी की झील चिल्का झील है, ये सही है। 70 की तरफ आएंगे, डफला जनजाति किस राज्य में रहती है, डफला 70 का उत्तर दीजिए। करीब वीडियो बनते हुए 32 मिनट के आसपास हो चुके हैं, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, धैर्य बनाए रखिए और जल्दी जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप पूरा टेस्ट देखिएगा तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आप अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का संग्रह भी, बाकी आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लीजिएगा, हम डाल देंगे। 70 का जो उत्तर सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा सी, अरुणाचल प्रदेश। आइए 71 की तरफ आते हैं, निम्न में कौन सुमिलित नहीं बताइए। देखिए हरदुआगंज सुमिलित नहीं बताइए, हरदुआगंज कहाँ है गूगल सर्च कीजिएगा। 71 का डी सही है। 72 की तरफ आएंगे, 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहे हैं, निम्न में कौन से कथन सही है, मारमा गांव बंदरगाह गोवा की ज्वारी नदी के ज्वार नद मुख पर स्थित है, दूसरा है नावा सेवा बंदरगाह का निर्माण चेन्नई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया है, क्वेश्चन नंबर 72 का उत्तर दीजिए। तो 72 का केवल एक सही है, केवल एक, क्योंकि देखेंगे तो ये चेन्नई नहीं है, मुंबई है, मुंबई के दबाव कम करने को बनाया गया, चेन्नई नहीं, 72 का वन सही है। 73 की तो पाएंगे, भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ है, तो भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कोच्चि है, 73 का ए सही है कोच्चि। 74 की तरफ आएंगे, अंतः उष्ण कटिबंधी अभिसरण क्षेत्र के उत्तर दिशा में खिसकने से किसकी शुरुआत होती है, ITCZ है, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, 74 का उत्तर दीजिए। दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन होता है, 74 का सी सही, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जहां पर सूरज की किरणें लंबवत चमकती हैं वहीं पर वो ITCZ का क्षेत्र बनता है, निम्न दाब का क्षेत्र, और जब निम्न दाब का क्षेत्र जहां बनेगा वहां की हवा ऊपर उठेगी, जब वहां की हवा ऊपर उठेगी तो आसपास से हवाएं वहां पर आएंगी, जब आसपास से हवाएं वहां पर आएंगी तो फिर क्या होगी, बारिश होगी, और ये जो आप देख रहे हैं ना इसमें किरण बारिश हो रही है इसी वजह से हो रही है क्योंकि यहां पर ITCZ का क्षेत्र बन रहा है, और जब ITCZ यहाँ बन रहा है तो ये फिर क्या हो रहा है कि यहाँ पर
पौने मतलब व्यापारी पौने इस तरफ आने को शुरू हो जाएंगे, फिर बारिश हो रही है इस समय, देखिए से केरल वगैरह में बारिश हो रही है इसी वजह से। 75 की तरफ आते हैं, पूर्णा किसकी सहायक नदी बताइए, क्वेश्चन नंबर 75 का उत्तर दीजिए। तो पूर्णा ताप्ती की सहायक नदी। 76 की तरफ आएंगे, निम्न में कौन सी नदी सिंधु के बाएं किनारे की ओर से मिलती है, ये बह रही सिंधु नदी, अब कौन इस तरफ बह रही थी कौन इस तरफ, अब आपको बताना है। देखिए जब जास्कर की बात होगी तो बाएं किनारे से मिलेगी, बाकी की खुर्रम गोमल सियों के सब दाएं किनारे में, तो उत्तर सही हो जाएगा जास्कर। 77 की तरफ आएंगे, लिद्दर किसकी सहायक नदी बताइए, का बी सही है झेलम। 78 की तरफ आएंगे, निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है, 78 का उत्तर दीजिए। का सी सही है मणिपुर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, यांग्याप दर्रा। भारत का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी कौन सी है बताइए, 80 का उत्तर दीजिए। 80 का डी सही है अरावली। बरगी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है बताइए, नर्मदा नदी पर। 82 की तरफ आएंगे, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार पर स्थित है, 83 यदि 75 डिग्री ईस्ट में शाम के 4 बजे हैं तो 82 डिग्री ईस्ट में क्या समय होगा बताइए, देखिए आपको बता दें कि जैसे 75 डिग्री पूछा जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जब पूर्व की तरफ जाते हैं तो समय क्या होता है, पूर्व 0 डिग्री से जब आप जान रहे हैं, जब पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय बढ़ेगा, पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय घटेगा, तो 82.5 पे पूछा जा रहा है और यहाँ पर दिए हुए 4, तो आपको पता है कि जो 4 बजे 75 डिग्री पे पूछा जा रहा है तो 75 डिग्री और 82.5 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, तो आप लोग निकालिएगा 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। ये 75 डिग्री जो है वो पाकिस्तान का समय है, भारत का ये 82.5 है, और चूंकि भारत का समय पाकिस्तान से आधे घंटे ज़्यादा है तो यहाँ पर चार, अगर जो यहाँ पर 4 बजे तो भारत में 4:30 बजे होंगे, तो इनके बीच में डिफरेंस निकाल लीजिएगा कितने डिग्री का आ रहा है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इनके बीच में डिफरेंस निकालिए कितने डिग्री है, उनको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, जितने मिनट आएगा उसमें जोड़ दीजिए, 83 का जो है वो बी सही। 84 की तरफ आएंगे, वेंगई नदी कहाँ गिरती है बताइए, 84 का बताइए उत्तर दीजिए। वेंगई नदी पाक की खाड़ी में गिरती है, 84 का ए सही है। निम्न में कौन सा कथन सही है, बाढ़ का पानी पृथ्वी पर नई मिट्टी लाता है उस क्षेत्र को खादर कहते हैं, दूसरा बांगर प्रदेश की ककरेली भूमि को भूड़ कहते हैं, 85 का उत्तर दीजिए। का बी सही है, पहला और दूसरा दोनों। 86 की तरफ आएंगे, निम्न में कौन सा कथन सही है, पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई पूर्वी घाट से कम है, पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय नदियों के उद्गम का मुख्य स्रोत है, देखेंगे तो कौन सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से, पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई पूर्वी घाट से कम है, गलत है, पश्चिमी घाट ज्यादा ऊंचा है, पूर्वी घाट प्रायद्वीपी नदियों का उद्गम मुख्य स्रोत है, गलत है क्योंकि अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है, 86 का डी सही। 87 की तरफ आएंगे, थाल घाट दर्रा किस राज्य में स्थित है,
87 का ए सही है महाराष्ट्र। 88 की तरफ आएंगे, दिन में कौन सा कथन सही है, पश्चिमी घाट दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा के लगभग लंबवत दिशा में स्थित है। दूसरा है पूर्वी घाट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के लगभग समानांतर है। अब देखिए पश्चिमी घाट दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर के लगभग लंबवत, देखिए यहाँ से आता है मानसून, अब यहाँ से कुल निकाल लीजिएगा तो लगभग लंबवत पड़ेगा, तो ये लंबवत स्थित, लेकिन जो यहाँ से जब जाती है शाखा तो कुछ इस तरीके जाती, तो ये वाला इसके क्या हो जाता है, समानांतर हो जाता है। 88 का कौन सा सही है, सी सही है पहला और दूसरा दोनों। इसे देखिए चेन्नई में बारिश वगैरह नहीं होती है, ठंडी में होगी। 89 की तरफ आएंगे, क्वेश्चन नंबर 89 है व्यास नदी का उद्गम स्थल क्या है। बी सही रोहतांग दर्रा। 90 की तरफ आएंगे, प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं। तो प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वन लक्षद्वीप में पाए जाते हैं, वैसे तो राज्य पूछा जाएगा तो मिजोरम हो जाएगा, बाकी लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। 90 का जो हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा। 91 की तरफ आएंगे, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार सबसे अधिक वन क्षेत्रों में गिरावट कहाँ दर्ज की गई है। 91 का उत्तर दीजिए। सर्वाधिक गिरावट मणिपुर में दर्ज की गई, 91 का ए सही। 92 का उत्तर दीजिए, यरला वर्डा मूसी किसकी सहायक नदियां हैं। डी सही, तो बहुत सारी सहायक नदियां हैं, पद्मा, कोयला, यरडा, वर्डा, भीमा, मूसी, घाटवा, मालवा, तुंगभद्रा, ये सब कृष्णा की सहायक नदियां हैं। 93 की दबाएंगे, लाल इमली का संबंध किस उद्योग से बताइए। लाल इमली का संबंध ऊनी वस्त्र उद्योग से है, ये कहाँ स्थित है, कानपुर में। 93 का डी सही है। 94 की तरफ आएंगे, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई। तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो है वो टर्शियरी काल में हुई। 95 की तरफ आएंगे, निम्न नगरों में से किसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। बाकी मैं बता दूं, कल का जो टेस्ट होने वाला है वो होने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री का, आप लोग तैयार रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री देने के लिए टेस्ट। बाकी उसके बाद हम एक ये तो कल तो लगभग पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट होगा, बाकी जो उसके नेक्स्ट डे होने वाला है वो होगा स्वतंत्रता के बाद के भारत का इतिहास, स्वतंत्र भारत का इतिहास, वो कल के टेस्ट के बाद परसों आएगा, तो याद रखिएगा। बाकी आइए देखते हैं, निम्न में से किसे भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं, तो जमशेदपुर को कहते हैं। 95 का बी सही। 96 की तरफ आएंगे, भारत के आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा किंतु संसाधन समृद्ध क्षेत्र कौन सा है। छोटा नागपुर। 97 की तरफ आएंगे, कोसी नदी किन तीन नदियों से मिलकर बनी है। सुन अरुण तामूर। 98 की तरफ आएंगे, कृष्णा नदी के डेल्टा के दक्षिण फैले तट को क्या कहते हैं। तो उस तट को बोलते हैं, कृष्णा नदी की बात हो रही है ना, तो देखिए ऊपर का हो गया उत्तरी सरकार और कृष्णा नदी के दक्षिण में हो गया कोरोमंडल, तो कोरोमंडल तट हो जाएगा। 98 का सी सही। 99 की तरफ आएंगे, भारत में पाई जाने वाली लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है। पहले मैं क्वेश्चन पूछ चुका हूं, बताइए। का बी सही है, फेरिक ऑक्साइड। 100 नंबर की तरफ आएंगे, अंतिम क्वेश्चन है,
जिन लोगों ने धैर्य बनाया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी जो धैर्य खो चुके हैं उनसे यही कहेंगे कि धैर्य बनाइए, वीडियो पूरी देखने की कोशिश किया कीजिए, काफ़ी अच्छे प्रश्न थे। 100 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। खजियार झील कहाँ है बताइए। तो खजियार झील जो देखेंगे तो ये पड़ेगी, अभी मैंने पहले इसे बता ही चुका हूँ, हिमाचल प्रदेश में है, खजियार उत्तराखंड में नहीं है, यही वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो आज का टेस्ट खत्म हो, कल का टेस्ट जो है वो होने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री, मैं कई बार कह चुका हूँ आप लोग याद रखिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग कल रेडी रखिएगा। बाकी उसके जो नेक्स्ट डे टेस्ट होने वाला है वो होने वाला है, हम भी बताए ना आपको कि स्वतंत्र भारत का इतिहास, इसके बाद हम एक पॉलिटी का टेस्ट लेंगे, कंप्लीट पॉलिटी के लगभग 100 क्वेश्चन आप मान लीजिए इसी के आसपास हम जल्द लेकर के आएंगे उसको भी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैं एक और टेस्ट लेकर के आऊँगा जिसमें 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, जल्दी वो भी टेस्ट आपके सामने आ जाएगा। बाकी अब आप और ज़्यादा आपका समय जाया नहीं करेंगे, तो आज का टेस्ट तो खत्म हो ही गया है, तो काम की बात तो खत्म हुई, बाकी मिलेंगे कल सुबह 11 बजे, आप लोग रेडी रहिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल का टेस्ट मॉडर्न हिस्ट्री, वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काउंट कर सकते हैं अगर जो 100 क्वेश्चन में, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि आप, क्योंकि इसमें लगभग सभी प्रश्न क्या है कि जो पिछले टेस्ट में पूछे जा चुके हैं, लगभग वही प्रश्न है, तो आप लोग की अपेक्षा ये की जाती है कि आप लोग अच्छे से टेस्ट दिए होंगे। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वैसे भी अब 46 मिनट हो चुका है, धन्यवाद।